बड़ी राष्ट्रीय पार्टी से जरूर हम गठबंधन करेंगे। इस देवरिया जिला के बरहल विधानसभा में आपके बीच में आए हैं प्रगतिशील समाजवादी पार्टी होगी 2022 में सरकार होगी। 2022 विधानसभा चुनाव में सामाजिक परिवर्तन रथ यात्रा के माध्यम से भाजपा को चुनौती देने व अपना परचम फहराने निकले प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल यादव ने आज देवरिया जनपद के बरहास विधानसभा के कर्मटार शेरखा में विशाल जनसभा को संबोधित किया व उपस्थित जनसमूह से भाजपा सरकार को उखाड़ फेंकने व लोहिया के आदर्शों पर चलने वाली एक निष्पक्ष सरकार बनाने की अपील की। अपने संबोधन में शिवपाल यादव ने कहा कि देवरिया ऋषियों की धरती है और इनके आशीर्वाद से बहुत कुछ संभव होता है। यहाँ इंदिरा गांधी भी आई व चुनाव जीती। मैं भी यहाँ 2011 में आया व मुझे देवरिया से आशीर्वाद मिला और मंत्री भी बना। सामाजिक परिवर्तन रथ की शुरुआत मथुरा के बांके बिहारी जी का दर्शन कर यात्रा पर निकल पड़ा। भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि इन्होंने जितने भी वादे किए सारे झूठे निकले। इनकी जो भी नीतियां हैं जनता उनसे खुश नहीं है। काला धन को लेकर सवाल खड़ा किया व कहा कि आप कितना काला धन लाए। महंगाई भ्रष्टाचार से जनता त्रस्त है। सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास झूठा निकला। जाति धर्म मंदिर मस्जिद के नाम पर भाजपा भेदभाव कर रही है। 100 दिन के अंदर भ्रष्टाचार को खत्म करने का वादा करने व किसानों की आय दुगनी करने वाली सरकार क्या कर रही है। अपने कार्यालय का जिक्र करते हुए यादव ने कहा कि हमारी सरकार ने किसानों के न्यूनतम समर्थन मूल्य का हमेशा पालन कराया। गन्ना किसानों का जिक्र करते हुए कहा कि हमारी सरकार बनी तो गन्ना किसानों का भुगतान ब्याज के साथ करेंगे। हमने अन्य दलों के साथ अखिलेश यादव से भी गठबंधन की बात रखी है। हम मिलकर 2022 का चुनाव लड़ेंगे व प्रदेश में एक साफ सुथरी सरकार बनेगी। सरकार बनी तो बुजुर्गों की पेंशन बहाली बिजली मूल्यों में कटौती व 300 यूनिट बिजली फ्री देने हर परिवार में एक नौकरी देने का कानून। बड़ी पार्टी कोई कुछ की हमने वैसे तो प्रयास समाजवादी पार्टी से किया है। पहली प्राथमिकता हमारी समाजवादी पार्टी ठीक सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। करके एक बड़ी राष्ट्रीय पार्टी से जरूर हम गठबंधन करें। पूर्वांचल में स्थिति क्या होगी करके सरकार बनाएंगे और यहाँ पर भी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी होगी 2022 में सरकार होगी। पूर्वांचल छोटे दल आपके साथ अलायंस हो रहे हैं। जब टिकट का बंटवारा होगा पूरे प्रदेश भर विधानसभा सीटों पर तो कैसे ऐसे निपटेंगे, कैसे लड़ेंगे और कैसे टिकट अपने आप उसमें पाएंगे। 403 सीटें हैं जी। 403 और जब मैंने कह दिया है कोई भी त्याग करने को हम तैयार हैं, लेकिन हमारे लोगों का जितने भी हमारे लोग जितने बड़े लोग उनका सम्मान हो जाना चाहिए। उनको टिकट मिल जाए नहीं मिलता और नहीं मिलता है तो हम तो चुनाव लड़ाएंगे अपने जीतने वाले प्रत्याशियों को मनन कर लें चाहे विलय कर लें। हम भारतीय जनता पार्टी को हटाना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी को हटाना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी को हटाने के लिए हम कोई भी त्याग कर सकते हैं। हमने हमेशा त्याग और संघर्ष पर भरोसा किया और त्याग और संघर्ष करके ही हम ने समाजवादी पार्टी को बुलंदियों तक पहुंचाया। ये बताइए हम इनको अपने तरफ से और आप सभी लोगों के तरफ से इनका हार्दिक स्वागत करते हैं, वंदन करते हैं। मंचा सिंह मंडल प्रभारी और सत्ता परिवर्तन करने के लिए इस देवरिया जिला के बरहल विधानसभा में आपके बीच में आए हैं।